एक छोटे बच्चों के स्कूल की टीचर एग्जाम लेती है और कॉपियों को चेक करने के लिए अपने घर ले आती है। एक बच्चे की कॉपी को चेक करते करते उस टीचर की आंखें भर आती है। पति पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो? उसने बताया, आज मैंने बच्चों का टेस्ट लिया है और मैंने बच्चों से कहा था कि जो भी आपकी मुराद है, ख्वाहिश है, उस पर कुछ निबंध लिखो, कुछ पंक्तियां लिखो, जो अच्छा लगता है वो लिखो। एक बच्चे ने लिखा कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि भगवान उसे मोबाइल बना दे। यह सुनकर पति जोर जोर से हंसने लगे और बोले, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? टीचर बोली, आगे तो सुनो क्या लिखा है बच्चे ने। मोबाइल बन जाऊं तो घर में मेरी एक खास जगह होगी और सारा परिवार आसपास रहेगा। जब मैं बोलूंगा सारे लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे। पापा ऑफिस से आने के बाद थके होने के बावजूद भी मेरे साथ बैठेंगे। मम्मी को जब तनाव होगा तो वह मुझे डांटेगी नहीं बल्कि मेरे साथ रहना पसंद करेगी। और हाँ, मोबाइल के रूप में सबको खुशी भी तो दे सकता हूं। यह सब सुनने के बाद पति थोड़े से गंभीर हो जाते हैं और बोलते हैं, भगवान ये बेचारा बच्चा, उसके माँ बाप तो उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते होंगे। पति को जवाब देते वक्त पत्नी कहती है कि जानते हो ये बच्चा कौन है? ये हमारा अपना ही बेटा है। अब इससे सीख क्या मिलती है? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें वैसे ही एक दूसरे के लिए बहुत कम समय मिलता है और अगर हम वो सिर्फ टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया या और भी बहुत सारी अपनी पर्सनल चीजों में ही हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे तो हम कभी भी अपने रिश्तों की अहमियत और उनसे मिलने वाले प्यार को नहीं समझ पाएंगे। मुझे पूरा यकीन और उम्मीद है कि ये कहानी आपने सुनी जरूर होगी और अगर सुनी है तो एक ही गलती की है कि इसे अपनाया नहीं है। आज और अभी से मोबाइल, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी को जरूर अपनाएं, लेकिन जरा कम। लेकिन जरा ज्यादा क्या होना चाहिए? अपनों के साथ, जो आपको दिन भर लाइक करते हैं उनके साथ रहिए, जो पराए लोग हैं जिनको आप मोबाइल पर लाइक करते हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। हमारे सभी प्यारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं उन सभी प्रियजनों को जिनका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, स्पेशल डे है। चंद सेकंड आज भी आप लोगों के चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग पर। 29 जुलाई बुधवार का राशिफल आप देख रहे हैं। आज पूरे दिन दशमी तिथि रहेगी। आज सुबह 8:32 तक विशाखा और फिर अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी और सुनफा योग का साथ मिलेगा। आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो बालव योग, मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस और भद्र योग का साथ मिलेगा। आज भी जड़त्व दोष और चांडाल दोष रहेगा। आज पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे यानी नीच राशि के। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो उसे नोट करें, यह मौका आपको आज दो बार मिलने वाला है। सुबह 7 से 9 तक लाभ और अमृत का चौघड़िया और वहीं शाम को 5:15 से 6:15 तक जो कि लाभ का चौघड़िया है। कोशिश करिएगा कि दोपहर को 12 से 1:30 तक जब तक राहुकाल रहता है शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। प्रिय साथियों, जब आप 6 राशि देख लेंगे तो हमारी जिंदगी में कई तरह की विपत्ति, परेशानियां, दुख और दुविधाएं आती हैं। श्रावण मास का बुधवार, क्योंकि बुधवार गणेश जी का वार होता है, पिता और पुत्र दोनों का आशीर्वाद मिलेगा तो आपके दुख हर लेंगे, विपत्ति आपकी ठीक हो जाएगी और आपको उपाय मिल जाएगा। कार्यक्रम के अंत में मैं एक सवाल का जवाब दूंगा जिसको मैंने आपसे कल पूछा था कि कौन सा ऐसा शिवलिंग है जिस पर बिजली गिरती है, क्यों और कहां? इसका जवाब कुछ लोगों ने बिल्कुल सही दिया, कुछ लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। मैं इसका जवाब कार्यक्रम के अंत में दूंगा। लेकिन प्रिय साथियों, आज आपको यह पता लगाना है कि भोलेनाथ शिव को जब हम अभिषेक के द्वारा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर से जो जल निकलता है वो शिवलिंग का मुंह किस तरफ और क्यों होना चाहिए। दूसरा, आपको यह भी बताना है कि जो जल चढ़ा चुके हैं निर्माल्य जल का क्या करना चाहिए। आज आप इस पर रिसर्च करके मुझे जवाब दिए, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। आइए हम राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से करते हैं। आज चंद्रमा आपको मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही प्रकार से यात्राएं करवा के दुखी कर सकता है, इसलिए आप कोशिश करें कि चित्त और शरीर दोनों जितना शांत रहे उतना अच्छा है। जबरदस्ती ट्रेवल मत करिए, बहुत जरूरी काम हो तो पूरी सतर्कता के साथ ट्रेवल करिए।
आज अज्ञात भय, मानसिक तनाव, किसी प्रकार की चिंता, व्याधि आपको देने की कोई कोशिश करेगा या आप खुद ही उसे क्रिएट करेंगे, इससे बचना चाहिए। बिजनेस में कुछ खास कमाल करने के बजाय जो कर चुके हैं उसमें एक व्यवस्थित रूप से अपने काम को आगे बढ़ाइए, ताकि आपको चिंतन मंथन करने का मौका मिले कि कहां आप कमी रख चुके हैं। जॉब में आपके द्वारा किए गए पूर्व में कोई गलत काम, गलत व्यवहार का परिणाम आज आपको गलत भुगतना पड़ सकता है, थोड़ा अलर्ट रहें। जो भी आपके सबऑर्डिनेट, वरिष्ठ अधिकारी हैं, मंत्री हैं, बॉस हैं, ऑफिसर हैं, उनके द्वारा जो आपको काम समझाया जाता है, हाँ में हाँ मिलाने से ही दिन अच्छा गुजर सकता है। आप अपने गुस्से पर और गलत जुबान पर काबू नहीं रखेंगे तो परिवार और ऑफिस में झगड़े से आप बच नहीं सकते हैं। आपको अपने स्वभाव यानी स्वयं के भाव को, एटीट्यूड को थोड़ा बदल के शुभता की तरफ ले जाना चाहिए। आपकी छोटी बहन या छोटे भाई आपको कोई समस्या का हल निकालने के लिए कह सकते हैं। आप इरिटेट ना हो, बल्कि अपने से छोटे लोगों पर जो उम्र दराज है उन लोगों पर आपको जरूर कृपा बरसानी चाहिए कि आप उनकी मदद कर सकें। आप बहुत कमजोर और अस्वस्थ हैं ये आपको ख्याल आएगा, जबकि ऐसा है नहीं। आप आध्यात्मिक खोज की तरफ निकलें और कोशिश करें कि जितना मौन यानी शांत, और कोशिश करिएगा कि आप कम से कम लोगों से इंटरेक्शन करें, सिर्फ अपने काम पर फोकस करें, लाभ मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज बिना मन के ही अपना काम करेंगे। लव लाइफ में कोई बवाल किसी और की वजह से मच सकता है, अलर्ट रहे। लकी कलर पिंक नंबर 4 शुभ रहेगा। वृषभ राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, इन तीनों पार्टनरशिप में जिससे भी आप इन्वॉल्व हैं उनके साथ आज आपको एक बेहतर इंटरेक्शन होने वाला है, मुनाफा मिलेगा। नौकरी में काम करने के योग अच्छे बन रहे, जिम्मेदारी और चैलेंज दोनों मिलने वाले हैं। कामकाज समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे और काम में भी मन पूरा नहीं लग पाएगा। नई प्लानिंग पर काम तो हो जाएगा, लेकिन आपको पुरानी चीजों को, पुराने लोगों के द्वारा किए गए काम को नहीं भूलना चाहिए। रिश्तों के मामले में आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। कई बार आपके द्वारा की गई बात का तोड़ मरोड़ कर कोई आदमी पेश करता है, उससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। मानसिक और शारीरिक रूप से आप परेशान हल्के सोने वाले हैं, बेटर रहेगा कि अच्छी नींद लेकर अच्छी प्लानिंग डे को डिजाइन करके आगे बढ़िए, लाभ मिलेगा। ऑफिस में जो अधिकारी हैं, मनभेद और मतभेद होने की या करने की संभावना है, हो सकता है आपने कोई गलती नहीं की हो, लेकिन फिर भी आपको डांट पड़ जाए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हम अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन किसी कमजोर व्यक्ति पर निकालते हैं। आप अगर बिजनेस के फ्रंट पर बात करें तो कुछ जटिलताओं को सुलझा लेंगे, पैसों की आमदनी इतनी हो जाएगी कि खर्चे और कर्जे पूरे हो जाएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अच्छा प्रदर्शन करके खुद शाम को अपनी पीठ थपथपाने वाले हैं और ऐसा फील होगा कि यस, मैंने कर दिखाया। आप चुस्त और तंदुरुस्ती के बारे में ही सोचते रहिए तो आलस्य और कमजोरी अपने आप ही छूमंतर हो जाएगी। आपके महत्वपूर्ण काम में कोई देरी या खलन डालने की कोशिश करेगा, आप उससे बच के रहें। लकी कलर नेवी ब्लू नंबर 1 शुभ रहेगा। मिथुन राशि, चंद्रमा आज आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कोई बीमारी चल रही थी, कोई व्याधि चल रही थी, उससे छुटकारा मिल जाएगा, उससे आपको राहत मिल जाएगी। धन प्राप्त होने की पूरी संभावना है, इसलिए जहां से भी पैसा निकल सकता है प्यार मोहब्बत से निकाल लीजिए। आपका पारिवारिक जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने से आज बचना चाहिए। खुली पहाड़, जल स्थान, दूर स्थान पर आपको जाने का मौका मिलेगा, पिकनिक बनाने का मौका मिलेगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज्ञान प्राप्त करने का भी मौका मिलेगा। यदि आप फल की इच्छा रखते हैं और कर्म किए बिना ये इच्छा रखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और अपने लिए ही खुद एक नेगेटिव स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। आपका खर्च अधिक होगा, हो सकता कहीं से कर्जा लेना पड़ जाए। आपकी महत्वाकांक्षाएं नई सफलता की ओर बढ़ाएंगे, आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी और आप आसानी से लोगों को प्रभावित जरूर कर पाएंगे। सैलरी बढ़ाना, पदोन्नति या अपने डिपार्टमेंट को चेंज करने के बारे में बॉस से आज बात की जा सकती है। अच्छा मूड देकर मन की बात कर दीजिए। यदि नई नौकरी की तलाश में है तो ये प्रयास आज आपको सफलता दे सकते हैं। लकी कलर ग्रे नंबर 2 शुभ रहेगा। कर्क राशि, संतान सुख और संतान से सुख दिलाने जा रहे हैं चंद्रमा। अब आप खुद ही संतान हैं तो आपको अपने माता पिता और घर के परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। बिजनेस पर्सन का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे सफलता उनके हाथ लगने वाली है।
आपकी कोई इंपॉर्टेंट परेशानी थी जो मन को बड़ा ठेस पहुंचा रही थी, तकलीफ दे रही थी, वो समस्याएं आज खत्म हो जाएगी या खत्म होने की तरफ आगे बढ़ेगी। आपको कोई अच्छी खबर आज बहुत खुश करने वाली है। सेहत के मामले में समय अच्छा है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर सकते हैं। आज आपको ऑफिस में या जहां पर भी है नई जिम्मेदारी और चैलेंज मिलने वाले, और याद रखिएगा चैलेंज और जिम्मेदारी ईश्वर उसी शख्स को देते हैं जिसके पास उसे निभाने की काबिलियत हो। सोचे हुए काम पूरे होने के योग भी बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को फायदा जरूर मिलेगा। आपके कामकाज से अधिकारी खुश हो सकते हैं, इसलिए खुश करने के लिए कोई काम न करें, सिर्फ काम अच्छे ढंग से करें। धन लाभ होने से आए हुए खर्चे पूरे होंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके डबल होने का प्रस्ताव आज पारित हो जाएगा, यानी कि सगाई, संबंध, ये सब कुछ आपके आगे बढ़ सकता है। लंबी टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चर्चा, कोई भी कम्युनिकेशन आज आपका समय बर्बाद कर सकता है, इसलिए जितनी जरूरत हो वहां अपने आप को उतना ही इन्वॉल्व करें और कोशिश करें कि आप प्रोडक्टिव काम करें। लकी कलर व्हाइट, नंबर 7 शुभ रहेगा। सिंह राशि, भूमि और भवन के मामलों को निपटाने में आज कोई घाटे का सौदा हो सकता है, इसलिए जमीन खरीदना, शेयर खरीदना या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना आज ठीक नहीं है। बिजनेस पर्सन, बिजनेस में वित्तीय निर्णय, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में सोच रहे हैं उसे बड़ी सूझबूझ के साथ निर्णय लीजिए, वरना यह डिसीजन आपका गलत हो सकता है। व्यापार में आप अपने लक्ष्य तक तब ही पहुंच पाएंगे जब आपका मन और आपके विचार स्पष्ट होंगे। कार्यक्षेत्र में बेकार की गतिविधियों में अपना समय और ऊर्जा आप बर्बाद करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने वाले हैं। नौकरी में किसी भी पेपर या फिर कोई भी ऐसा दस्तावेज जिस पर आपको फोर्सफुली हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा है, आप उसमें कानूनी विवाद में फंसने वाले, इसलिए कोशिश करें ऐसी चीजों से दूर रहें। सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। संतान और बड़े बुजुर्गों की तबीयत खराब होने से आपका रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है, ये भले डिस्टर्ब होने दीजिए लेकिन उनकी तबीयत ठीक होनी बहुत जरूरी है। जीवन साथी, जीवन संगिनी के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़िए, मजा आ जाएगा। परिवार में अतीत में की गई गलती के कारण किसी तरह की पारिवारिक जांच से गुजरना पड़ सकता है। स्टूडेंट को विशेष विषय को समझने में, खिलाड़ी को एक परफेक्शन लाने में जो आवश्यकता है वह आज फुलफिल होने वाली है। लकी कलर पर्पल, नंबर 5 शुभ रहेगा। कन्या राशि, अपनी उम्र से छोटे हो या बड़े भाई और बहनों को खुश करना, उनके काम आना, उनके लिए कोई खुशी की खबर को जनरेट करना, आज आपके लिए चंद्रमा ऐसी व्यवस्था करना जा रहे हैं। आप ऑफिस की गतिविधियों के प्रति आकर्षित होंगे और लोगों के ड्रेसिंग सेंस और लोगों की बातों में भी आकर्षित होने वाले हैं। इसमें कोई व्यक्ति आपको नई जिम्मेदारी और चैलेंज दे सकता है, आप उसे स्वीकार करें। व्यवसाय के विस्तार के लिए यह समय खास नहीं है, इसके बेहतर यही है कि जो ऑलरेडी आप करते आ रहे हैं उसे बेहतर ढंग से कैसे किया जाए उस पर विचार करें। बाधाएं और मुश्किलें अभी दूर नहीं होंगी। सोचने के बजाय करने पर ध्यान दीजिए और ध्यान केंद्रित करिए कि आपका लक्ष्य क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जबरदस्ती अपने कोई लक्ष्य बना के बैठे हैं या लक्ष्य को भूल ही चुके हैं। स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में तब आएगी जब आप अपने पक्ष में काम करने लगेंगे। इसी से ही आपका आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक कोई इच्छा जो आपकी अधूरी थी वो पूरी हो सकती है, या आपके लिए एक शुभ दिन होगा। अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक खुशी जनरेट करने का काम आज आप करने वाले हैं। आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक रहेगा और लव लाइफ शानदार रहेगी। तनाव जो था वो हरियाली, पेड़ पौधे, पहाड़ी वाले जगह पर जाकर ठीक हो जाएगी। स्टूडेंट के लिए एक बहुत सकारात्मक दिन है और नई योजना बनाने के लिए आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए दिन है। लकी कलर क्रीम, नंबर 3 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, आप हो या मैं हूं, आम है या खास है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत विपत्ति हमारे जीवन में जरूर आती है। लेकिन भोलेनाथ हैं, अपने पुत्र के बुधवार के दिन दोनों का आशीर्वाद हमें विपत्ति के नाश के लिए मिलने वाला है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी धन की कमी नहीं सताती। साथ ही जुबान, व्यवहार, स्वभाव, नम्रता और मधुरता हमेशा उनके भीतर रहती है, जिससे सोशल एक्टिविटी में भी वे काफी एक्टिव रहते हैं। अगर आप भी अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, विपत्ति को समाप्त करना चाहते हैं, तो सफेद चंदन में केसर मिलाकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएं या लक्ष्मी और नारायण को तिलक करें।
अपने घर में ही। इसके बाद दोनों हाथों से सुगंधित पीले पुष्प उनके चरणों में अर्पित करें। अब हल्दी की 7 गांठ डली को पीले कपड़े में बांधकर उनको चरणों में अर्पित करें या भगवान के चरणों में अर्पित करें। अपने जीवन में आ रही विपत्ति के लिए आप ईश्वर से एकांत बैठकर वार्तालाप करें, जैसे आपको वो सुन रहे हैं और आप बोल रहे हैं। आप देखिएगा कि आपको खुशी की खबर मिलेगी और विपत्ति आपकी कम हो जाएगी, टल जाएगी। और शाम के समय ये पोटली किसी भी मंदिर में रखा है। बात करते हैं तुला राशि की। चंद्रमा आज आपके पैतृक मामले, संपत्ति के मामले, इनहेरिटेंस, कोई भी पारिवारिक विवाद को सुलझाने की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। बिजनेस में आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की पूरी संभावना है। कहीं से धन आकर आपका खर्चा और कर्जा आज तो निकल जाएगा। नौकरी में सितारों का साथ आपका साथ दे रहा है। किसी जटिल समस्या के समाधान में पिता, बड़े बुजुर्गों का या वेलविशर का जो साथ है वो बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। वर्क प्लेस पर कुछ अप्रिय घटनाओं से आप हल्की सी चिंता में आ सकते हैं। लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के बीच एक सुखद संधि हो सकती है। एक बढ़िया भावनात्मक कन्वर्सेशन होने वाला है। जीवन में कोई भी समस्या आपके जीवन में ना आए ये गलतफहमी है। समस्या आती है लेकिन समस्या उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी कि हम उसे मान लेते हैं। आज आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। कर्म ढंग से करिए, भाग्य साथ अपने आप देगा। इनकम का कोई नया सोर्स आज जनरेट हो सकता है। लकी कलर गोल्डन, नंबर 4 शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे जिससे मन शांत रहेगा। बिजनेस पर्सन के सामान्य से अधिक लाभ कमाने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए आज आप आंख और कान खुले रखें, ऑफिस समय पर जाएं और प्रोडक्टिव काम में अपने आप को लगाइए। साझेदारों के बीच समझ बढ़ेगी, कुछ सकारात्मक सुनना और करने का मौका मिलेगा। आपको कुछ गैर कानूनी काम, गलत जगह पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई लुभावने बातें की जा सकती, इससे बचना चाहिए। आप एक महत्वपूर्ण पेशेवर परियोजना के बारे में निश्चित रूप से सोच रहे हैं और आगे बढ़िए, बस अपने राज और अपने काम के बारे में शेयर मत करिए। स्टूडेंट के लिए यह एक सकारात्मक दिन होगा। आपको अपने हिस्से से ज्यादा काम और पढ़ाई करना चाहिए। आज किसी को पैसा देना दान के रूप में, उसकी मदद करना बहुत रास आने वाला है। ये पुण्य का काम है जो करने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए एडवांस और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। दोस्ती आज बहुत रंग लेकर आने वाली है। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 2 शुभ रहेगा। धनु राशि, चंद्रमा आज आपके संपर्क क्षेत्र को बढ़ाने जा रहे हैं। आप भी कोशिश करें कि पुराने ग्राहक, पुराने दोस्त, पुराने बॉस से वापस वास्ता किया जाए। बिजनेस पर्सन बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जल्दीबाजी करना चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, ये गलत होगा। नौकरी में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर अपने कॉम्पिटिटर्स पर नजर रखना उचित होगा क्योंकि वे आपकी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करेंगे। अपने डर और चिंताओं को दूर करने के लिए परिवार में अपने दिल के सबसे करीबी पर आज आप भरोसा करेंगे। विद्यार्थी, हमारे आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन, स्पष्ट रूप से सोच समझ के आप अपने लक्ष्य को डिसाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे तो लाभ मिलेगा। जीवन साथी यानी लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के व्यवहार में कुछ प्रेम और धीरज धैर्य देखने को मिलेगा और वहीं स्पेशली लव पार्टनर के साथ तनाव और कठोरता जो थी वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। लकी कलर ग्रीन, नंबर 6 शुभ रहेगा। मकर राशि, आपको याद होगा हमेशा अपने अधिकार, लेकिन आज आपको चंद्रमा कर्तव्य याद दिला रहे हैं कि आपके कर्तव्य क्या है। नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नई नौकरी अप्लाई करना, अपने मन की बात बॉस से करने का शुभ समय आ गया है। बिजनेस में भी तरक्की हो सकती है। कामकाज में आ रही रुकावटें इस दिन दूर होने वाली है। कोई अच्छी खबर भी आपको बहुत खुश कर सकती है और कोई नकारात्मक खबर भी आज आपको अवसर दिला सकती है। दोनों प्रकार से स्थितियां बनने वाली है। आपके और आपके भाई बहनों के बीच कोऑर्डिनेशन शानदार होना जरूरी है। आप कुछ खास करने के लिए लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं मैं फेमस होना चाहता हूं लेकिन कर्म नहीं करना चाहता, तो आज आप कर्म करिए, लोकप्रियता अपने आप मिलेगी। आपको अपने गुस्से, गलत जुबानी के प्रकोप और अपमानजनक भाषण से खुद ही अपना बुरा करने वाले हैं, ऐसी चीजों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी के साथ रोमांच और रोमांस का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। पहाड़ी वाले क्षेत्र पे, हरियाली वाली जगह पर, पानी वाली जगह पर घूमने का अवसर मिलेगा।
स्टूडेंट अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में आज सक्षम रहेंगे और खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। सेहत शानदार है, इसलिए फिटनेस पर जो आप ध्यान दे रहे हैं वो परफेक्ट है। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान और दीजिए, लाभ मिलेगा। लकी कलर सिल्वर नंबर 5 शुभ रहेगा। कुंभ राशि, चंद्रमा आज आपको कर्मशील बना रहे हैं, गतिशील बना रहे हैं, भाग्यशाली बना रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिल सकती है। काम की तारीफ जितनी की जाए उतनी लोग ये कहेंगे कि कम है, यानी आपकी तारीफ पीठ पीछे भी होने वाली है। बिजनेस में नई योजना बनाने के साथ साथ पुरानी योजनाओं पर समीक्षा करने के लिए आज आप काम करने जा रहे हैं। अचानक से कोई बड़ा सौदा आपके हाथ किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लग सकता है। सामंजस्य पूर्वक कोऑर्डिनेशन शानदार बनाते हुए खुशहाल दिन व्यतीत करने वाले हैं। अपने परिवार दोस्तों की कंपनी आज आपको रास आने वाली है और आपके छोटे या बड़े भाई बहन आपसे कुछ मदद की पेशकश करेंगे, आप उनकी जरूर मदद करेगा। आप में से कुछ ऐसे लोग जो प्रोफेशनली काम करते हैं उनको आज लाभ अच्छा मिलेगा। व्यावसायिक सहयोगी जो आपके साथ काम करते हैं, चाहे वो सबॉर्डिनेट हो या ग्राहक हो, तो आप उनके साथ और अच्छे ढंग से बॉन्डिंग मजबूत करने की तरफ ध्यान दीजिए। घर से काम में चीजें सुगमता से आगे बढ़ेंगी। जीवन साथी और जीवन संगिनी से कॉन्वर्सेशन जो है वो और गहरा होगा, लेकिन याद रखिए इमोशंस में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए। लकी कलर येलो नंबर 7 शुभ रहेगा। मीन राशि, आप अपने आप को सिर्फ भाग्यशाली आज समझिए, क्योंकि वही सही है। आपने देखा होगा कि 2-4 काम हमारे समय पर नहीं होते तो हमें ऐसा लगता है कि हम दुर्भाग्यशाली हैं, ऐसा कतई नहीं है। बिजनेस पर्सन्स को वित्तीय लाभ के संकेत मिल रहे हैं, आपका व्यवसाय अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन निर्णय लेते समय भावुक बिल्कुल भी ना हो। आप अपनी पेशेवर गतिविधि का विस्तार करने के लिए नई रणनीति बनाने जा रहे हैं। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन, ये खान पान के मुद्दे आपको संघर्ष करवा सकते हैं, इसलिए गलत समय पर और गलत भोजन से बचना चाहिए। आपको खर्च और कम कर्ज के लिए विशेष प्रयास करने ही पड़ेंगे। प्रोफेशनल मोर्चे पर चीजें आसानी से नहीं, लेकिन आपके कठोर प्रयास और सकारात्मक एटीट्यूड से आगे बढ़ेगी। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आप इमोशंस में कोई डिसीजन मत लीजिए, बल्कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन के लीजिए। हाँ, प्यार, इश्क और मोहब्बत का इजहार अपने प्रेमी पर करना आज बनता है। वरिष्ठ लोगों से, जो भी आपके मंत्री, ऑफिसर, आपके बॉस हैं, आपके कलीग हैं, आपके सीनियर हैं, वेल विशर हैं, उनके साथ आज एक गेट टुगेदर किया जा सकता है और कामयाबी की वृद्धि के लिए नई रूपरेखा आज बनाने जा रहे हैं। लकी कलर ब्राउन नंबर 8 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि शिवलिंग पर बिजली कहां और क्यों गिरती है। इसमें से कई लोगों ने जवाब सही दिया है। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का यह शहर व्यास और पार्वती नदी संगम के पास एक ऊंचे पर्वत पर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि यह घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है, जिसका वध भोलेनाथ ने किया था। जिस स्थान पर मंदिर है, शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है, जिससे खंडित हो जाता है वह मंदिर। पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित कर माखन के साथ इसे जोड़ देते हैं। कुछ माह बाद ठोस रूप में परिवर्तन हो जाता है। शिवलिंग पर बिजली गिरने के पीछे वजह यह भी है कि यहां कुलांत नाम का दैत्य रहता था। दैत्य रूपी अजगर सभी जीव जंतु को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कुंडली मारकर व्यास नदी के प्रवाह को रोकने लगा। त्रिलोकी के नाथ भोलेनाथ विशाल अजगर का वध कर देते हैं। दैत्य का स्वरूप इतना विशाल था कि मृत्यु पश्चात उसका शरीर पर्वत बन गया। भोलेनाथ ने इंद्र से कहा कि वो 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करें। हर 12वें साल में यहाँ आकाशीय बिजली गिरने से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। भोलेनाथ नहीं चाहते थे कि जब बिजली गिरे तो जन धन को इससे कोई नुकसान पहुंचे। भोलेनाथ लोगों को बचाने के लिए बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं, जिस वजह से उन्हें बिजली महादेव के नाम से जाना जाता है। प्रिय साथियों, कल आपको यह पता लगाना है कि आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसकी निकासी किस दिशा की तरफ जानी चाहिए और क्यों जानी चाहिए, और चढ़ाए हुए निर्माली जल का कहां पर हमें उपयोग करना चाहिए और उसका क्या करना चाहिए। आप इस पर रिसर्च करके जवाब दीजिए,
मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। आज आपका दिन शानदार गुजरे इस उम्मीद, विश्वास और प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।